नमस्कार। 14 मई को यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम है, आप सभी को पता है। तो हम फास्ट ट्रैक रिवीजन आपके लिए कोर्स ला रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको जल्दी से जल्दी रिवाइज कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज शुरू की हुई है और आज के इस वीडियो में आपको मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ा दूंगा। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। इससे भी एक दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछ लिए जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया है। डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में तो क्लियर हो ही गया होगा क्या कारण था मुस्लिम लीग के गठन होने का। बहुत सारे कारण थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के बाद जो हम आंदोलन चला रहे थे, जिसे बंग भंग आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कह रहे हैं, इस आंदोलन का स्वरूप पूरा हिंदूवादी था और इसमें कांग्रेस पूरी लिप्त थी। इसलिए मुसलमानों के दिमाग में ये घोर भर दिया गया था कि भैया जो कांग्रेस है ना, ये हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा है हिंदू आंदोलन है। गंगा में डुबकी लगाकर इस आंदोलन की शुरुआत की जा रही है। जो हिंदू त्यौहार हैं, महोत्सव हैं, उन्हीं के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जैसे शिवाजी उत्सव। ठीक है, ऐसे हिंदू त्यौहारों के माध्यम से इसको बढ़ावा दिया जा रहा था। और वैसे भी जो आपका ये बंगाल का विभाजन हुआ था, ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा था उनके नज़र में। तो इसलिए उन्होंने सोचा अगर हिंदुओं के लिए कांग्रेस है तो मुसलमानों के लिए एक पार्टी होनी चाहिए। तो फाइनली 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कुछ बहुत ज़रूरी फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं, जो आपको याद करना ही करना है। पूछ लिया जाएगा स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लीग की, तो आप बता देंगे 30 दिसंबर 1906 को। स्थान भी बता देंगे ढाका में। ढाका में जो ईस्ट बंगाल उस समय था, दो भागों में बांटा था, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट की राजधानी कलकत्ता बनाया गया था, ईस्ट की राजधानी ढाका। तो ढाका में ही बैठकर इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक में मुख्य तौर पर कौन आते हैं? सलीमुल्ला। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन और थे। सलीमुल्ला को गिना जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर था। इस मुस्लिम लीग पार्टी के अध्यक्ष सबसे पहले किसको बनाया गया था? आगा खां को बनाया गया था। ये कुछ फैक्ट आप अपने दिमाग में डायरेक्ट रखिएगा। अब कहानी चलते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 1906 से पहले जाते हैं, कि अब हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि 1906 में गठन आखिर हुआ कैसे था। हम बात करेंगे सबसे पहले सर सैयद अहमद खां। दिमाग में रखिएगा, जब 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है, तब उस समय दुनिया में नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। फिर इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? इनके बारे में इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि 1886 ईस्वी में इन्होंने एक सम्मेलन शुरू किया था। हर साल एक सम्मेलन शुरू किया था। इस सम्मेलन का नाम था ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी, दिसंबर के महीने में लास्ट में हर साल कॉन्फ्रेंस होती थी। मुस्लिम लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और शिक्षा पर कैसे विकास किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में बातें किया करते थे। याद रखिएगा, नोट करने वाली बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में बातें करने के लिए इस सम्मेलन का गठन किया गया था। हर साल ये सम्मेलन बुलाया जाता था। इसमें कोई भी पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती थी। नोट कीजिएगा, इसमें कोई भी पॉलिटिकल चर्चा नहीं होती थी। मैं क्यों यहाँ नोट करवा रहा हूँ, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 1886 से शुरुआत कर दिया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 86 में हुआ, 87 में हुआ, ऐसे ही 1906 में भी हुआ। 1906 में जब दिसंबर के महीने में ये मीटिंग हुई, तो पहली बार जो इसके नियमों का उल्लंघन किया गया, जहां पर पहले एक शिक्षा के लिए बातें होती थी, अब वहां पॉलिटिकल बात भी हुई। कब? दिसंबर 1906 में जब इसका सम्मेलन हुआ, वहां पर इसके नियमों का उल्लंघन करके पॉलिटिकल चर्चा की गई और वहीं पर नींव रखी गई मुस्लिम लीग की। तो इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस है पढ़ना जरूरी है। ये वही कॉन्फ्रेंस है जहां पर मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। ठीक है, याद रखिए। इसलिए सर सैयद अहमद खां के बारे में कुछ पढ़ना, जानकारी लेना बहुत जरूरी था। हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी थी, 1898 ही मृत्यु हो चुकी थी। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊँ, एक्स्ट्रा बहुत जरूरी है। 1875 में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा हुई थी। इम्पोर्टेंट बात यह है, ये वही कॉलेज है जो 1920 में AMU बन गया था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ना, ये एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही था
1920 में इसको AMU बना दिया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिमाग में आपको रखना जरूरी है। अब इसके बाद देखिए, अब हम 1905 वाले दौर में आ चुके हैं। अब मोहसिन उल मुल्क का नाम आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ये मोहसिन उल मुल्क हैं, देखिए मोहसिन उल मुल्क ये हैं, ठीक है। अब ये चाह रहे थे कि मुसलमानों का कुछ डेलीगेशन जो है, कुछ एक ग्रुप, उस समय जो वायसराय हैं लॉर्ड मिंटो, इनसे मुलाकात करें। उस समय ये शिमला में थे, कि गर्मियों में ये जो अंग्रेज थे ना, अपनी राजधानी को शिमला बना लिया करते थे, शिमला में बैठकर काम किया करते थे। क्योंकि ये कहाँ से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, तो इनके पास क्षमता नहीं थी गर्मी बर्दाश्त करने की। कलकत्ता वाले रीजन में गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ जाती है, इस कारण से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो गर्मी भर में, पूरी गर्मी भर शिमला में रहते, वहाँ से काम काज किया करते थे, और सर्दियों के मौसम में ये दोबारा कलकत्ता आ जाया करते थे। उस समय शिमला में थे, और मोहसिन उल मुल्क जो ये साहब हैं, इन्होंने प्लान बनाया कि भैया मुलाकात करनी है हमें किससे, लॉर्ड मिंटो से। तो ये डायरेक्ट तो मिल नहीं पाते, इसलिए इन्होंने किसका सहारा लिया, इन्होंने ऑर्क बेल का सहारा लिया, ऑर्क बोल का सहारा लिया, विलियम ऑर्क बोल का सहारा लिया। पूरा नाम मैं आपको दिखाता हूँ, ये विलियम आर्क बोल साहब है, इनका सहारा लिया इन्होंने। इनको पत्र लिखा, इनको पत्र लिख के कहा कि भैया आप हमारी मुलाकात करवाइए लॉर्ड मिंटो साहब से। तो इन्होंने लॉर्ड मिंटो को कहा कि आपसे मुसलमानों का कुछ ग्रुप मिलना चाह रहा है। तो ये तैयार हो गए, अब शिमला में मिलने के लिए तैयार हो गए। अब शिमला में मिलने कौन कौन गया ये देख लेते हैं। अब शिमला में आगा खां के नेतृत्व में, ये आगा खां बहुत अमीर आदमी है, ये देखिए तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, यही है आगा खां साहब। आगा खां तृतीय इनका पूरा नाम है, क्योंकि इनकी खानदान में इनसे पहले भी दो आगा खां आ चुके हैं, राजा थे उस समय, समझ लीजिए। इनके नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात करने के लिए 35 लोगों का एक ग्रुप गया, 35 लोगों का एक ग्रुप गया। कहाँ पे गया, शिमला के अंदर, 1 अक्टूबर 1906 में मिलने के लिए गए। कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन थे। खुद आगा खां थे, हकीम अजमल थे, मोहसिन उल मुल्क थे, बख्तियार खां थे, और भी बहुत सारे थे। एक नोट करने वाली बात यह है ना कि सलीम उल्ला खां नहीं थे, जो सलीम उल्ला खां जिनको इस मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, वो खुद नहीं गए थे, उनकी आंख का ऑपरेशन होना था इसलिए जा नहीं पाए थे, मजबूरी थी उनकी इस शिमला सम्मेलन में, दिमाग में रख सकते हैं आप। अब शिमला में इस बिल्डिंग में मीटिंग होती है, ये शिमला में इस बिल्डिंग में मीटिंग होती है। यहाँ पर मुस्लिम जो लोग थे, इनके द्वारा कुछ मांगे रखी गई, कुछ महत्वपूर्ण मांगे, वो क्या थी वो आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इन्होंने मांगा कि हमें पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए, मतलब इन्होंने कहा आप मुसलमानों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दीजिए। लेकिन रिजर्व ही नहीं, आप जिस क्षेत्र में रिजर्व कर रहे हैं सीटें, वहां पर जब इलेक्शन होगा कैंडिडेट, तो अगर खड़ा होगा वो मुस्लिम लीग का खड़ा होगा, मुसलमान खड़ा होगा, और वोट करने का अधिकार भी जो आसपास के उस क्षेत्र के मुसलमान लोग हैं वही कर सकते हैं। यह है पृथक निर्वाचक मंडल। आज भी आरक्षण तो है SC ST OBC, लेकिन हमारे यहाँ पृथक निर्वाचक मंडल नहीं है। कैंडिडेट तो खड़ा हो जाता है, अगर जहाँ सीट रिजर्व है SC ST OBC की, तो वहाँ पे ये कैंडिडेट तो खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, लेकिन वोट करने का अधिकार सबको होता है। लेकिन उस समय इन्होंने डिमांड किया पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की मांग की, और इनकी मांग मान ली जाती है। 1909 में जो एक्ट आएगा अंग्रेजों के द्वारा, उसमें ये देखा गया, इनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो यही शुरुआत यहीं पर होती है, यहीं से इन्होंने डिमांड की थी। और इन्होंने कहा मुसलमानों के लिए विश्वविद्यालय बनाया जाए, मुसलमानों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की भी मांग इन्होंने की। इसके अलावा वायसराय की जो कार्यकारिणी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो वायसराय साहब थे, वायसराय उनकी एक कार्यकारिणी थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें इन्होंने कहा मुसलमान को भी एक रखा जाए। और पहली बार 1909 में एक इंडियन को रखा गया,
लेकिन वो मुसलमान नहीं था। इसी कारण से मुस्लिम लोग जो थे ना, मुस्लिम लीग 1909 के एक्ट से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा उनका नाम है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया। वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो जिला बोर्ड है, जो स्थानीय निकाय है, कहने का मतलब जो स्थानीय निकाय है, वहाँ भी मुसलमानों को सीटें दी जाए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए, ये इनकी कुछ डिमांड थी, ये इनकी डिमांड थी। अब इसके बाद ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का वार्षिक सम्मेलन होता है दिसंबर 1906 में। दिसंबर 1906 में जो मैंने बताया था आपको, सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो हर साल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, वो कॉन्फ्रेंस इस बार भी होता है। इस बार नियम तोड़ा गया, पॉलिटिकल चर्चा हुई, ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिकल चर्चा हुई। अब सबको पता था कि भैया यहाँ कुछ ना कुछ तो होने वाला है, सबके दिमाग में आ गया था कि कोई पार्टी गठित होने वाली है मुसलमानों के लिए। इसलिए जितने भी पहले कॉन्फ्रेंस हुए हैं उससे डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा लोग यहाँ शामिल हुए, 3,000 से ज़्यादा लोग यहाँ शामिल हो गए थे इस सम्मेलन में। ये ढाका में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी। अब यहाँ पर बात की गई मुसलमानों के लिए अलग पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, तो ये आया कि हाँ मुसलमानों के लिए अलग पार्टी बना देनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चर्चा की गई कि ठीक है भैया, 2-3 दिन के बाद जब 30 दिसंबर आ जाएगा तब एक मीटिंग बुलाई गई। 30 दिसंबर 1906 को फिर से मीटिंग बुलाई गई। अब यहाँ बोल दिया गया कि इस मीटिंग में जो मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाएगा। अब 30 दिसंबर 1906 इस मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा हुई? वकारुल मुल्क। वकारुल मुल्क, ये वकारुल मुल्क है। इस मीटिंग में सलीमुल्ला साहब खड़े होते हैं, ढाका के जो नवाब हैं सलीमुल्ला खां, ये ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला, ये खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि हमें एक पार्टी का गठन करना चाहिए जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करे, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करे। इस पार्टी का नाम मुस्लिम लीग होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग पार्टी का गठन या नींव यहीं से रख दी गई। इसी कारण से तो सलीमुल्ला खां को ही इस पार्टी का संस्थापक मान लिया जाता है, इन्हीं के द्वारा इसकी नींव रखी गई, ठीक। अब 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां तृतीय, यही है, देख लीजिए, आगा खां तृतीय। इनका एक और नाम था सर सुल्तान मोहम्मद शाह। और मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर शुरुआत में तो निश्चित किया गया था कि अलीगढ़ में किया जाएगा, लेकिन फाइनली लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया। नोट करने वाली बात है, मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर रहे थे कि मुस्लिम लीग गठन नहीं होना चाहिए जब एक ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी है, तो मुस्लिम लीग कहाँ है के लिए भैया, शुरुआत में इनका रूप ऐसा था। लेकिन 1913 में इन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, पहले ये कांग्रेस में थे, इन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। अब मुस्लिम लीग का गठन हो गया है। मुस्लिम लीग के उद्देश्य, तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य, बहुत जरूरी आपके लिए पढ़ना है, तीन क्या मुख्य उद्देश्य थे वो हर जगह आपको यही मिल जाएंगे। तीन उद्देश्य भैया ये थे कि मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाना, मतलब सभी मुसलमानों के दिमाग में ये भर देना कि केवल और केवल जो आपके यूरोपी लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, यही आपका भला कर सकते हैं और कोई नहीं। तो मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार बनाना, और इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना, मतलब किसी भी मुसलमान का अधिकार ना छीने जाए, इसके साथ अन्याय ना हो, ये भी देख रेख करना कि अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार किसी भी मुस्लिम के साथ कोई अन्याय ना कर रही हो। और तीसरा जो बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुसलमानों और भारत के अन्य समुदायों के बीच मैत्री भाव को जगाना, मतलब मुस्लिम और भारत के जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं इनमें जो घृणा भरी हुई है उसको कम करना और इन दोनों में मैत्री भाव जगाना। ये आपका था मुस्लिम लीग के बारे में महत्वपूर्ण बात। ये नोट्स बहुत बेहतरीन नोट्स, अगर आपको चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, श्री एजुकेशन,
श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से आप ये क्लास नोट्स पा सकते हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। या 7888-77-4245 पर भी कांटेक्ट करके ना आप इन नोट्स को पा सकते हैं। जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस में हीरो हो जाएंगे। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।